खबर सारण बिहार से, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बनियापुर प्रखंड कार्यालय सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम समय में होने वाली बीडीसी की बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। बीडीसी की बैठक में माजी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव के शामिल होने से बैठक में काफी गहमागहमी सदस्यों में उत्सुकता देखी गई। बैठक में सभी मुखिया बीडीसी सदस्यों की मौजूदगी में बीडीसी की बैठक में प्रखंड में सरकार द्वारा क्रियान्वित हो रही योजनाओं की समीक्षा के बाद एक एक कर विभाग के पदाधिकारियों की फीडबैक लेते हुए योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बीसीओ दिलीप कुमार चौधरी पक्षों में हो रही धान अधिप्राप्ति पर बीडीसी सदस्य ने सदन में पुरजोर प्रश्नोत्तर किया, जिसके प्रति उत्तर में बीसीओ ने पंचायतों सहित प्रखंड में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य पर सदन में सदस्यों को बताया सवाल उठा। अस्पताल में उपलब्ध महिला पुरुष चिकित्सकों के समय से उपलब्ध रहने सहित विधि व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। अस्पताल की चारदीवारी निर्माण की मांग की। वहीं सदन में शिक्षा विभाग की कई योजनाओं पर चर्चा की गई। मनरेगा पीओ से सदन में सदस्यों ने कई योजनाओं में अधूरा कार्य को पूरा करने की मांग की। बैठक में स्वच्छता अभियान, जल जीवन हरियाली, नल जन योजनाओं, आंगनबाड़ी योजना पर सदस्यों द्वारा चर्चा किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मंजूषा ओझा ने किया। संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुदामा प्रसाद सिंह ने किया, जहां उप प्रमुख संजय कुमार राम क्षेत्र के बीडीसी सदस्य उपस्थित रहे। छपरा से मनोज कुमार सिंह के साथ एसके सोनी की रिपोर्ट। कुछ तो चाहिए हमको सर्टिफिकेट। तो कहाँ से होगा थोड़ा बताइएगा। तो आप बताइए कहाँ से होगा। मैं यहाँ पे हमारा लोकल ब्लॉक है बनियापुर, हॉस्पिटल है बनिया। हॉस्पिटल से साहब नहीं बनाते हैं के वो बोलते हैं अपलोड है, आधार सर्टिफिकेट अपलोड है, निवास प्रमाण पत्र अपलोड है। मेरे यहाँ तो कोई चीज अपलोड नहीं है। आप आए क्या हम रामू सिंह हैं, हम थम कर दी मेरी बात में इनका तो थम इम्प्रेशन अपलोड है। क्या थम इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है। मेरी बात सुनिए ना, आधार सबका अटैचमेंट है। अच्छा आधार जब है तो आधार जाते उनका थम इम्प्रेशन है। तब है सुनिए ये हमको हम आइडेंटिफाई करें। एक मिनट मेरे बात समझ लीजिए, लीगल मैटर। हम आइडेंटिफाई करें मेरे यहाँ फिट